क्या आप भी महल छोड़कर जाना चाहती हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा चीजें? क्योंकि हम अपने प्रताप के साथ रहना चाहते हैं। आप कुंवर प्रताप के साथ जाकर रहना चाहती हैं? शायद आप भूल गए हैं जवंत भाई जी कि आप ही ने कुंवर प्रताप को निर्वासित करवाया था। भूलना ही तो नहीं सीखा हमने राणा जी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ। इसलिए तो हमारे प्रताप के साथ रहकर हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। धन्य है जवंता भाई जी, आप धन्य हैं। पहले तो आप हमारे प्रिय पुत्र को हमसे दूर करती हैं और फिर उसी पुत्र के साथ जाकर रहने जैसी धृष्टता वाली बात करती हैं। आपने सोच कैसे लिया कि हम इस बात की आपको अनुमति देंगे? क्यों कर रही हैं आप ये सब चीजें? वैसे भी राज्य मुगलों के आने से समस्याओं में घिर चुका है। ऐसे में आप भी महल छोड़कर चली गई तो राणा जी क्या उत्तर देंगे प्रजा को? धीरबाई जी, आप भी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ की प्रजा राणा जी को पूछती है। यदि प्रजा ने राणा जी को प्रताप के निर्वासन पर क्षमा कर दिया है तो फिर हमारे महल से जाने पर भी वो राणा जी को कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और वैसे भी हम सदा सदा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही प्रताप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा को स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे तब हमारे पुत्र को आपकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जयंता भाई जी, पूरे मेवाड़ की सुरक्षा हम जिसे सौंपने वाले थे उनकी सुरक्षा आप करेंगे। समझ गए, बात कुंवर प्रताप की सुरक्षा की नहीं है, बात आपके बड़े षड्यंत्र की अंतिम चरण की है, जिसमें पहले तो आपने कुंवर प्रताप को हमसे छीना, मेवाड़ का उज्जवल भविष्य उनसे छीना, और अब कुंवर प्रताप को केवल अपना बनाकर उन्हें सदा सदा के लिए हमसे दूर कर देना चाहती। नहीं नहीं राणा जी, आप गलत सोच। बस जवंत भाई जी, बस। अब आपकी किसी भी बात पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। एक राजा के अधिकारों का उपयोग करते हुए हम आपको महल छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे, समझिए। अगर हमारा पुत्र हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर राणा जी हमें आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी होगी। तो ठीक है जयंता भाई जी, आज इसी क्षण से हम आपको मेवाड़ की महारानी के पद से मुक्त करते हैं। हमारे और आपके बीच सभी संबंधों से मुक्त करते हैं। हम समाज के लिए विवाहित रहेंगे, परंतु आज से आप हमसे पति पत्नी वाले संबंधों की उम्मीद मत कीजिएगा। व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज से इसी क्षण से समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है। जयंता भाई जी, हमारी अपेक्षा से अधिक कहीं अधिक साहसी निकली चीज। मुक्त हो गए आप, बस इतना ध्यान रखना कि आप प्रताप के पास उसे साधारण बनाने जा रही हैं, असाधारण नहीं।
व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज इसी क्षण समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है। जयंताबाई जी, यहां से यहां तक। और हां, सभी लोग ध्यान रखना कि कोई भी बाघ के पास जाने की मूर्खता नहीं करेगा। आप सभी लोग दूर से पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर आगे बढ़ेंगे, और जिस किसी को भी बाघ का आभास हो तो वो हमें जो संकेतित भाषा हमने बताई है उस भाषा का प्रयोग करके हमें बाघ के बारे में सूचना देगा। जी बाबू जी राज, ये सब तो हम कर लेंगे, पर भीलों का क्या होगा? बाघ से पहले कई उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तो? देखिए, भील हमारे जैसे ही मानव है, उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, परंतु बाघ से ना तो बातचीत करी जा सकती है और ना ही उन्हें समझाया जा सकता है। इसीलिए आप सब भील का भय अपने मन से निकाल दीजिए। चलिए रुक जाइए। रानी माँ, आप सब अपने अपने घर जाइए। पर रानी माँ, हमने कहा ना, जो आज्ञा महारानी चा। चलो सब लोग। खम्मा गणी रानी माँ। रानी माँ, परंतु आप यहाँ कैसे और इन साधारण वस्त्रों में, और आपने उन सभी लोगों को भेज क्यों दिया रानी माँ? इस महत्वपूर्ण अभियान में हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी रानी माँ। अब आप एक ही जगह जाएंगे प्रताप, और वो है आपका तलहटी वाला निवास स्थान। रानी माँ रुकिए ना, क्या आप हमारे साथ यहाँ पर रहने आई है? रानी माँ, रानी माँ, राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। क्या हुआ हुजूर? दिल्ली के सफर के लिए इस आखिरी दौर में हमें इसी गांव में आराम के लिए रुकना है। भाई, इस पूरे गांव को जला के राख कर दो। लेकिन हुजूर, इस गांव से तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो इसको जलाने की वजह? गुस्सा। इस वक्त बहुत गुस्से में है अफसर, और तुम जानते हो कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम सामने वाले को मार मार के उसे गुस्से को उतारते हैं। इस मेवाड़ की सरजमीन पर हमारी बहुत तौहीन हुई है। पहले उदय सिंह के दरबार में और फिर वो बचपचा। हमारे लिए उस तौहीन का बदला लेना बहुत जरूरी है। चला डालो इस पूरे गांव को।
जाएगी। आपने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया रानी माँ। क्यों रानी माँ, कहाँ से आ गई आप में दाजीराज के विरुद्ध जाने की शक्ति? जिस मान मर्यादा के साथ, जिस सुख सुविधा के साथ आप रही हैं, आपने उन सबको एक पल में छोड़ दिया। क्यों रानी माँ? हमें नहीं पता प्रताप, हम इसे शक्ति कहें या अपने पुत्र के लिए हमारी दुर्बलता। प्रताप, हम और कुछ नहीं चाहते, बस आप सुरक्षित रहें, और कोई संकट ना मोल ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बताइए आप कर पाएंगे हमारे लिए इतना? रानी माँ, यहाँ के लोगों को हमारी आवश्यकता है। हमने जो कहा वो आप कर पाएंगे या नहीं? आज से बिना हमारे अनुमति के आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। आज से इस बात का निर्णय हम लेंगे कि आपका घर के बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। रानी माँ, इसका अर्थ एक प्रकार से ये हुआ कि हम इस घर में बंदी हैं। आप जो चाहे निष्कर्ष निकाल लें, पर हम इस बात पर और कोई समझौता नहीं करेंगे। मैंने सुना है बड़े साथी हो। आपको न्याय मिलेगा, मिलेगा। हम मारेंगे बाप के बाप, ये हमारा वचन है। वचन है। आपकी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा रानी माँ, परंतु हमें उस नरभक बाघ को मारना ही है। हमने यहाँ के लोगों को वचन दे रखा है, और एक राजपूत वचन देकर उसे ना निभाए, ऐसे संस्कार ना ही हमें ताजीराज ने दिए हैं और ना ही आपने रानी माँ। हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम आपको भली भांति जानते हैं प्रताप, बाजीराज। चक्रपाणि, हम आपको आपका खंजर लौट जाना आए थे। सोचा अब महारानी चाह आ गई है तो आपको इसकी अधिक आवश्यकता होगी सुरक्षा के लिए। चक्रपाणि, पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है, उन्होंने हमें कक्ष में बंद कर दिया है और बाहर से ताला भी लगा दिया है। पता नहीं चक्रपाणि, रानी माँ हमें कहीं नहीं जाने दे रही है। रानी माँ को हमने पहले इतना भयभीत कभी नहीं देखा। हमें लगता है इस भय के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा, इसलिए अच्छा यही होगा भाऊजीराज कि आप महाराणी से का आदेश चुपचाप मान ले। फिर बाघ को कौन मारेगा चक्रपाणि? वो नरभक्षी बाघ पता नहीं बस्ती में अब किसको अपना भोजन बनाएगा। चक्रपाणि, हमें ये सोचने पर नींद ही नहीं आ रही है। पर विकल्प क्या आपके पास? अब ये दीवार तोड़कर आप बाहर आओगे?
मैं भी बाघ को मारने में आपकी सहायता करना चाहते हो बाबूजीराज। चक्रपाणी, नरबक्षी बाघ का शिकार तो हम कर ही लेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक हम वन से ना लौटे तब तक आप हमारे कक्ष में प्रताप बनकर रहें, ताकि हमारी रानी माँ को संदेह ना हो सके। क्योंकि हम जानते हैं चक्रपाणी, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी रानी माँ रात में हमारे कक्ष का निरीक्षण करने अवश्य आएंगे। और महाराणी से निरीक्षण करने आ गई तो हम क्या करेंगे बाजीराज? हम तो किसी भी कोण से बाजीराज प्रताप नहीं लगते। आपको कुछ नहीं करना है चक्रपाणी, बस हमारे स्थान पर जाकर सोना है। और यदि महाराणी से हमें पकड़ लिया तो हम मृत्युदंड पक्का। आप भी ना चक्रपाणी, अब मृत्यु से क्या डरना? वैसे भी आप हमारे साथ जंगल चलकर बाघ के हाथों मरने के लिए तो तैयार हो ही चुके थे, तो फिर चाहे वहाँ अपने प्राण दो चाहे यहाँ, इसमें अंतर क्या पड़ता है? आप अपने मित्र के लिए प्राण देना चाहते हैं और इसके लिए ईश्वर आपको भरपूर अवसर दे रहा है, तो फिर मृत्यु का स्थान और प्रकृति हमें ही चुन लेने दो। अब एक और समस्या, अब से वाद विवाद करने में हम कभी नहीं जीत सकते। मारिए, जैसे मारना वैसे मारिए। बाजीराज, अपने ध्यान रखना वन में, क्योंकि इस नरभक्षी बाघ के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा जैसा बैरम खान पर था। जंगल के जानवरों ने संदेश देना आरंभ कर दिया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाघ विकट है। तो बाघ हमें नहीं देख पा रहा है, कोई बात नहीं, हम स्वयं अपने आप को तुम्हें दिखाएंगे।